अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तुलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारी YouTube चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 कश्मीरी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है कशिर जबान। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि चैनल पर इससे पहले जो तमाम कश्मीरी क्लासेस हैं वो भी साथ साथ में अपलोड हो रही है, और क्लास 9 के बकिया वीडियो देखने के लिए आप क्लास 9 कश्मीरी प्लेलिस्ट में जाकर ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हम जब भी नया कोई वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले मिले। क्लास 9 कश्मीरी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो पहले हर एक लेसन आएगा और लेसन की कंप्लीट रीडिंग और उसके साथ साथ एक एक्सप्लेनेशन आपको दी जाएगी, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको साथ साथ में रीडिंग के जो स्किल्स हैं वो भी सिखाए जाएं और साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आपको बताई जाएं। तो हमारी उम्मीद यही है कि हम कश्मीरी सकाफत को बचा के रख सकें, कश्मीरी अदब की जो हमसे जिसे हम कहें रहनुमाई हो सके वो हम कोशिश करेंगे, और यही हमारा मकसद है। इसमें ज़्यादा मकसद या ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं व्यूज ही बटोरना, लेकिन इसमें यही है कि हम अपने अदब की कुछ ना कुछ जो है वो खिदमत कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू किसी भी बगैर इसके रोक ठाक के। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो के। सवाल नंबर जो आपका क्लास 9 कश्मीरी है उसका पहला चैप्टर जो है आपकी गुडनिंग जबान कशिर जबान, इमुक मतलब गो कश्मीरी लैंग्वेज। तो साथ में हम उर्दू और इंग्लिश में साथ साथ में एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको कश्मीरी का एक्सट्रैक्ट जो है वो साथ साथ में उर्दू और इंग्लिश में समझ आ जाए। जबान च इंसानन हिंद बोलने च या कथ करने च अक खास सलाहियत। जबान जो होता है एक इंसान के बोलने की या बात करने की एक सलाहियत को बयान करता है। अगर आप किसी लैंग्वेज को जानते हैं, आप उसमें बहुत अच्छे से किसी चीज को एक्सप्लेन कर पाते हैं, तो यही तो जबान है जो हमें इस चीज की अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपने व्यूज को, अपने थॉट्स को किसी के सामने रख सकें। उसके बाद इमकिन च इस लफ्जन हिंद मत अख इकसिन ख्याल एहसास जानन। जब हम किसी लैंग्वेज को जानते हैं तो इसका उतार चढ़ाव, इसके मद जिसे हम कहते हैं या जिसे हम कहेंगे कि एक ख्यालात और एहसास हम साथ में समझ सकते हैं, आई बात समझ। तो ये सारी चीजें तब मुमकिन है जब आप एक लैंग्वेज को बहुत अच्छे से जानते हैं। लफज चु लोकचे आवाज रलेवित बनान, तो एक इस खास तरतीब इसमें लफज इस्तेमाल करित जुमल बनान। हमें पता है कि जब हम छोटे छोटे वर्ड्स को मिलाते हैं, उनकी आवाजों को मिलाते हैं, जैसे हम मान के चलो काम, इसमें का, अलिफ और मीम का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि काम में जो तीन छोटी सी आवाजें मिलाई फिर जाके एक लफ्ज बना, और जब इन लफ्ज को हम जुमलों में तरतीब से लिखते हैं जो कि एक सेंस बनाते हैं, जाके आपने सेंटेंस की डेफिनेशन सुनी होगी कि ग्रुप ऑफ द वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास एक जुमला बनाते हैं। इस तरह से जब हम इन छोटे छोटे अल्फाज को मिलाते हैं तो एक जुमला बनता है। यतकंच जबान आवाजन लफजन जुमलन हुंद अख बाकायद निजाम। कुन ते जबान हिंद बोलन वल छ अथ निजामस तहत मुश्तरक पट कथ करने च ब ये सलेहित वर्तावान। अब किसी भी जबान की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या काम होता है, कुन ते जबान हिंद बोलन वल या किसी भी जबान के बोलने वाले इस निजाम को, इस तरतीब को फॉलो करते हैं और एक प्रॉपर लाहे अमल रख के इन सारी चीजों को अपना के, इन वर्ड्स के मिलाने के तरीके को समझा के एक सलाहियत आ जाती है जिसमें वो एक लफ्ज या एक लैंग्वेज बन जाते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ खितन मस्त ब्युन ब्युन जबान बोलने यवान। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अलग अलग जबानें जो है वो बोली जाती हैं, तो यमन हम तादाद छो अलपल चोर सास, लगभग 4000 डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस जो हैं दुनिया में बोली जाती हैं। इनमें कोडिंग की लैंग्वेजेस की हम बात नहीं कर रहे, कोडिंग भी अलग से एक लैंग्वेज आती है। जबान हुन जरिए छ पथ कुन गुजरे मितन लुकन हिन तजरुब नेवन पुयन ताम वातान रोजान। तो इसी जबान की ही वजह से जो हमारे पास
हम लोगों की जो तहकीक है, जो हमारी रिसर्च है, जो हमारी तहजीब है, नयन पुयंताम पुई गो, जो नई जनरेशन है उस तक पहुंचता है। तो इंसान चो ब्रह कुन तरक्की करन, तो यह है वो इंसान ब्रह कुन तरक्की करन। कशिर यूस जबान बोलान छ तच कशिर वनान, जो कश्मीरी लोग जबान बोलते हैं इसे कश्मीरी बताया जाता है। ये जबान चो कशीर हुंद कशीर हिंद वादी अलाव केंसन दोयमन इलाकन मंज रोजन वेलन हस्ती मादरी जबान, तो ये जबान जो है कश्मीर के कई इलाकों में रहने वाले लोग तो ऑलरेडी बोलते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी दुनिया के बहुत सारी जगहों पे कश्मीरी जबान जो है वो बोली जाती है। कौशर बोलन वालन हूं अख बुढ़ तादाद छो जम्मू कश्मीर के जुम सूबस मज ते रोजान, तो कश्मीरी बोलने वालों की एक बड़ी तादाद जम्मू सूबे में भी रहती है। एम सूब केन प्रोच राजवीर गोल गुलाब गढ़ बानिहाल रामबन किश्तवाड़ बदरवा बसोली तो एम अलाव बलावर तो रामनगर किन हिरमिन इलाकन मज रोजन वाल वर्ल ज्यादातर लोग कौशर बोलन। जम्मू सूबे के बहुत सारे इलाके जैसे बानिहाल है, रामबन है, किश्तवाड़ है, बदरवा है, और इन इलाकों के जवाब रामनगर भी आप में इसमें इन्होंने बोला है, तो इनके कोई हाई फार फ्लंग जो एरियाज हैं वहाँ पे कश्मीरी जबान जो है बोली जाती है। एक अंदाज मूजब छो जम सूबस मज पीर पांच साल, जिसे हम पीर पांचाल के नाम से उर्दू में जानते हैं, पीर पांचाल किस पहाड़ी सिलसिलस मज आबाद आबाद यहुंद शेठ फीसदी हिस कौशर बोलान, तो इन इलाकों में लगभग जिसे हम कहते हैं पांच साल का एरिया जो है लगभग 60% लोग जो है वो कश्मीरी बोलते हैं। तो पूर जम सूबस मज छ ये तनोसब अलपल 17 जिसे हम कहेंगे फीसद, और पूरे जम्मू सूबे की अगर हम बात करें तो बाकी जबानों के हिसाब से इसको लगभग 37% लोग जो है वो कश्मीरी जबान बोलते हैं। यथकन छ कौशर जम सूबस मज डोगरी पहाड़ी गुजरी तो पंजाबी जबानन मुकाबले बोलने यिन वाजन सर्वे खुद बड़ जबान, और अगर हम अब डोगरी जबान की बात करें, पहाड़ी की बात करें या गुजरी जबान की बात करें, तो इसके मुकाबले में अगर हम कश्मीरी जबान की बात करते हैं तो ये लगभग सबसे बड़ी जबान बन जाती है जब इसका हम कंपेरिजन इन तीन जबानों के साथ करते हैं। हिमाचल प्रदेश के 270 गामन उत्तर प्रदेश पंजाब त हरियाणा चन केंसन हिरमिन बस्तियन मजते छ कौशर बसनेक, या जिसे हम कहेंगे बस्कीन। तो अगर इसके अलावा हम बात करें हिमाचल प्रदेश के लगभग 72 270 मतलब गो 72 गांव ऐसे हैं जहां पे कश्मीरी जबान बोली जाती है। उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा के कुछ इलाके जो हैं उसमें भी कश्मीरी जबान बोली जाती है। तो वक्त गुजरने से यहस फोरस्त लफ्ज वर्तावनस मज कैसा तब्दीली आमच। अब इस बात को मैं आपको समझाता हूं कि अगर आप कश्मीर के खितों की भी हम बात करें ना, आप अगर शोपियान की बात करेंगे तो वहां लोग अलग तरह की कश्मीरी बोलते हैं, उनका एक्सेंट या प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। अब थोड़ा सा हम इधर आ जाते हैं श्रीनगर में तो थोड़ा सा खिंचाव जबान में ज्यादा आ जाता है, लंबाई ज्यादा आ जाती है, वर्ड्स वही हैं तो ये लंबाई और बोलने का तरीका बदल जाता है। और अगर हम नॉर्थ की तरफ चले जाएं, चाहे हम कपवाड़ा की बात कर रहे हैं, बारामूला की बात कर रहे हैं, तो इन इलाकों में जब हम जाते हैं तो यहाँ कुछ छोटे अंदाज में कश्मीरी बोली जाती है, या लफ्जों को इतना खिंचाव जो है वो नहीं दिया जाता। यही है फोरस, जिसे हम एक्सेंट कह जाते हैं। एक्सेंट में चेंजेस जो है एवरी 20 किलोमीटर, अगर हम किसी लिंग्विस्टिक का थ्योरी की बात करें तो हर 20 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर हम ग्राउंड पे कवर करते हैं तो 20 किलोमीटर के बाद जबान में थोड़ी सी चेंज जो है वो नॉर्मली देखी जा सकती है। इधर पुछ उसके बाद कशीर हुन यूस इलाक पाकिस्तान के इंतजाम तहत छु तैते छो अक्सरियती जबान कशिर एम हुरेमान छ 1970 ईस्वी पे पाकिस्तान के दोयमन इलाकन खास कर पंजाब त सिंधस मज ते कशिर बोलन वाले खानदान बसा। अब हम अगर बात करते हैं कश्मीर का वो इलाका जो पाकिस्तान के जेर कब्जा है, ठीक है, जिसे हम आज़ाद कश्मीर के नाम से जानते हैं, तो वैसे हम वहाँ पे हुकूमत जो है हुकूमत पाकिस्तान है, तो उनके रहने वाले जो इलाके हैं, उनके जो कब्जे में कुछ इलाके हैं वहाँ पे भी कश्मीरी जबान जो है वो बोली जाती है। तो अक्सरियती जबान जो कशिर है
लगभग 1947 से पाकिस्तान का जो इलाके हैं जिनमें हम पंजाब की बात करें, सिंध की बात करें, तो वहां पर भी कश्मीरी बोलने वाले खानदान बहुत सारे बसे हुए हैं। आजकल चुवारिया कशिर हिंदुस्तान मज बुन बुन जायन ते दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कन मज लसान ते बसान। और हमें यह भी पता है कि आजकल बहुत सारे कश्मीरी मुल्क के बहुत सारे इलाकों में बस रहे हैं और जी रहे हैं। इस तरह से अगर हम मुल्क इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो बहुत सारे ममालिक में कश्मीरी लोग जो है वो जाके बसे हुए हैं, तो वहां पर भी कश्मीरी बोली जाती है। कशिर छ सठ प्रण जबान, कश्मीरी बहुत पुरानी जबान है। ये छु सर्वे बोद्र जिसे हम कहेंगे सर्वे बोधो बोद्री ब्रो वजूद इसमें जामस, ठीक है। तो सास बुद वरी, सॉरी ये सास बुद वरी है, यहाँ पे मैंने इसको अलग से पढ़ा था। ये छू सास बुद वरी ब्रू वजूद इसमें जामस, यानी कि हजारों साल पहले जो है ये वजूद में आई है। तिमन दोहन अस न वन उर्दू हिंदी पंजाबी गुजराती मराठी वगैरह जबान कुन वजूद। तब अगर हम बात करें उर्दू हिंदी पंजाबी गुजराती और मराठी जबान का कहीं कहीं वजूद भी नहीं था जब कश्मीरी जबान को वजूद में लाया गया। तो ये कशिर जबान एक तरक्की याफ्त शक्ल मंज ब्रोह कुन आयस आमज। तो उसके बावजूद तब तक ये सारी जबानें नहीं थी जब कश्मीरी दुनिया में बोली जाती थी। सठे प्रण आसन किंच येतकिन इब्तदाई बस्किन जबान। तो बहुत पुरानी होने की वजह से ये यहाँ के करीबी जो है जो यहाँ के बस्कीन हैं उनकी जबान मानी जाती है। ये इब्तदाई बस्कीन कम ओस। अब ये जो सवाल सबदन पोत कि ये इब्तदाई बस्कीन जो जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग थे ये कौन थे, अत मुतलिक हैकन मुख्तलिफ ख्याल है, क्योंकि इसके बारे में मुख्तलिफ ख्याल हैं। ज्यादातर मुहक्किकन हंस राय जो ज्यादातर रिसर्च करने वाले लोग हैं उनके मुताबिक जे सती सर मज आब नेरन पत यमो लुको येत बस्ती लज तिम ऐस नाग कौमिक। कहा जाता है कि कश्मीर का ये जो सती सर इलाका था जहां पे कश्मीर को एक सर की तरह माना जाता था, जब इसको तोड़ा गया, पानी यहां से निकाला गया, ठीक है, तो इम ब्रूड यूस गोडनिच बस्ती यत आबाद गई, या जो गोडनिक लूक जो सबसे पहले यहाँ पे जो आबाद हुए, ठीक है, यमो बस्ती लश तम इस नाग कौमिक। ये एक कबीला है, नाग कौम जो है ये एक कबीला है, जिस तरह से आर्यनज एक कबीला है, जिस तरह से मराठाज एक कबीला है, इस तरह से नाग भी एक कबीला है। यहुन ताल्लुक ओस द्रावड़ नस्ल के लुकन से, और इनका जो ताल्लुक था वो द्रावड़ नस्ल के लुकन से, यानी कि उनके साथ कनेक्शन इनका बनता था। यमन पत आई मुख्तलिफ कौमों पर आर्य नस्लन हिंद लूक यथ हितस्कुन, और उसके बाद आर्यन नस्ल के कुछ लोग यहाँ के आबाद हुए। यमन आर्यन च पिशाज ते वनान, या आम जबान में इनको पिशाज भी कहा जाता है, पिशाज लोग वनान दर्द थे, और एक लोग जो थे उनकी जात या कास्ट जो है वो दर्द लोग थे, वो भी आके यहाँ बस गए। नागन मुकाबले ऐस यम तहजीबी एतबार ते वत बीठ खिन अर्चक ते अरबन, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड दो इस्तेमाल हुए हैं, अर्चक ते अरबन, यानी कि अर्चक जिसे हम कहेंगे मुजवूट, जिसे कश्मीरी में एक्चुअली लफ्ज जो है मुजवूट, यानी कि नाअहल लोग थे, अरबैन अनाड़ी लोग बोले जाते हैं जिनको कुछ पता तहजीब व तमदन का कोई भी चीज जो है वो पता नहीं थी। तो इनका एक्चुअली निज़ाम जो है ये वही लोग थे, ठीक है। तो इनका जो तहजीब था वो अनचर्ड लोग थे, ये मतलब सिविलाइज्ड नहीं थे, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। इन दोनों लफ्ज का जो मीनिंग है किन अर्चक, अर्चक का मतलब होता है मुजवूट ही, जिनको दुनिया का कुछ पता ही ना हो, और दूसरा जो है अरबन का मतलब होता है कि वो लोग जो बिल्कुल नाअहल हों, जिसे हम आम जबान में अनाड़ी बोलते हैं, जिनको कुछ आता ना हो। यम ऐस न्यूले माज खेवन, शायद सुई असर कृष्ण ये चलो खेवन माज ज्यादा म्यान हिसाब। तो बहरहाल यम ऐस न्यूले माज खेवन, ये नीला गोश्त जो था वो इजीली खा जाते थे। यहन गल्ब केन चल वारिया नाग कशीर त्रोवित, और इनके डर की वजह से, इनके इस खतरनाक रवैये और तहजीब की वजह से बहुत सारे नोग नाग जो कबीले के लोग थे वो यहाँ से छोड़ के भाग गए। वन यम पथ कुन रूद तिमन से रूद वार वार पिशाचन हिंद तालुकात, और जो उसके बाद जो लोग यहाँ पे रह गए उनके साथ पिशाच लोगों के तालुकात जो है वो बढ़ गए ज्यादा। हुरांत अखनऊ तहजीब हितुन बारस, और जब ये दो कौमें मिल गई
जो कि एक वो अनाड़ी कौम थी और जो पेशाब लोग के और या नाग कौम के जो कुछ लोग बचे हुए थे वो मिलके एक नई तहजीब आ गई। पानविन कथ बात मंज ते आई यम कौम नख नख त अख एक सिन लफज ते हिचक। और इस तरह से ये दोनों तीनों कौमें जो मिली तो ये एक दूसरे के करीब आई और वर्ड्स ट्रांसफर हुए, एक लैंग्वेज के वर्ड दूसरे में, दूसरे लैंग्वेज के वर्ड तीसरे में, इस तरह से चले। एक मुश्तरक जबानी हुत कार्ड कड़ून तो अजहारस मज अजहारस मीज वसत। तो यह कौशर जबान हुत आदम काल। तो वनान चु यही है पास्ट कश्मीरी जबान का कि इस तरह से कश्मीरी जबान जो है वो तहलीक हुई यानी कि वो वजूद में आई। आगे बढ़ते हैं। कदामत एतबार चु कश्मीरी जबान द्राविड़ कबील चन जबान नक डक फाफ ल्यामत। ठीक चा फाफ ल्यामत। तो इमुक इब्तिदा चु वेद काल पेट सब्दान दपान चु कदामत एतबार अगर उछो जिससे हम कहते हैं कि कद के एतबार से या बड़ाई के एतबार से हम देखें तो कश्मीरी जबान द्राविड़ कबील के जो जबाने थी इनके साथ साथ चलते हुए फाफ ल्यामत यानी कि धीरे धीरे फैलती रही। इमुक इब्तिदा चु वेद काल पेट सब्दान और इनका इब्तिदा जो है वेद काल से शुरू होता है। लिहाजा छो ये तो वन यवान ये तो वन यवान जे कशिर जबान छ तीचा प्रण यीचा संस्कृत छ। और कहा यह भी जाता है कि कश्मीरी जबान इतनी ही पुरानी है जितनी कि संस्कृत जबान पुरानी है। अक्सर मुहक्किकन हुंद मानुन छ जे कशिर जबान हुंद ताल्लुक छ दर्द खानदान छ जबानन सहित। अक्सर मुहक्किक ये लिखते हैं कि कश्मीरी जबान का जो ताल्लुक है वो दर्द की जबान के साथ है। कशिर शिना ते कोहिस्त इंच त्रिखास दर्द जबान। और इस तरह से कश्मीर में ये बोली जाती हैं तीनों जबानें एक इससे बना कशिर शिना ते कोहिस्त इंच त्रिखास दर्द। ठीक छ कशिर शिना ते कोहिस्त त्रिभुल छ हम ठीक त्रिखास दर्द जबान। किश्तवाड़ी पोगली बंजावली सरज कशिर जबान हज बोल यहंदिस लफ्ज तुल त्रावस ते लहजस मज पानविन कम कास फर्क छ। और इन तीनों जबानों के लहजे इनके बोलने का तरीका इसमें बहुत कम जो है वो फर्क है। चलिए आगे बात करते हैं। हिमालयी बालस बाल सिलसिलस मज कशिर आ खूबसूरत चाय। अगर हिमालयी की बात करें तो बाल सिलसिला जो हिमालयी पहाड़ों का जो सिलसिला है इसमें जो कशीर है ये एक खूबसूरत जगह है। पन्नी फितरी खूबसूरती तो जियोग्राफी खसूसित तो इल्म बजर किन रूज यम इलाक च नामावरी दुनियास फैलान तो बाकी मुल्कन हिंदन लुकन योरकुन कलकड़ा। हिमालयी बाल सिलसिले की अगर हम बात करें तो कश्मीर एक खूबसूरत जगह तो थी ही और अपनी फितरी खूबसूरती यानी कि कुदरती खूबसूरती और जियोग्राफी कंडीशंस की वजह से यहाँ इलम का बहरान जो था वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। लोग इलम की तरफ चलते गए और ये इलाके की जो नामवरी थी पूरी दुनिया में धीरे धीरे करके फैलती रही। ठीक है इतने पॉइंट गो। तो अब ये जो सारे इलाके थे ये बाकी मुल्कों में भी फैलना अब इसने धीरे धीरे करके यहाँ का तमद्दुन यहाँ की चीजें बाकी इलाकों में भी फैलती रही। मुख्तलिफ दौरन मजकर कशरो बादशाहो वारिया निब्रम इलाक फतेह। और इस तरह से बहुत सारे कश्मीरी जो बादशाह थे उन्होंने बाहर के कुछ इलाके फतेह भी किए इस दौरान। वारिया कशिर सब दूर दराज इलाकन मज जंगी महकमन मज शामिल और बहुत सारे कश्मीरों ने दूर दराज इलाकों में जाके कश्मीरी जंगों में शामिल की जो शामिल हुए। लिकन हुंद और योर यन गसन किस नतीजस मज रूद ब्यून ब्यून जबानन हुंज लफज कशिर जबान मज शामिल सपदान। अब जब ये अलग अलग दुनिया के लोग आके बसते गए टाइम चलता गया तो कश्मीरी जबान में अलग अलग जगहों के लोग अपनी अपनी जबान के कुछ बाअसर जो अल्फाज हैं वो कश्मीरी जबान में भी शामिल हो गए। आई बात समझ। तो इम किस लफ्ज राशस मज रूद हुरर सब्दान जो इसकी वैकबलरी जिसे हम कहते हैं वोकैबुलरी तो उसमें इंक्रीज जो है धीरे ब धीरे बढ़ता रहा। पन्नी जबान मज मौजूद यथन लफ्जन हुंद बुनियाद बुनियाद पे हेको एस यित अंदाज करित जे दुनियन दुनिया किन कमन कमन इलाकन मज रोजन वे लुकन सहित अस पथ काल ताल्लुकात रूद में। तो इन सारी चीजों से हम ये भी कह सकते हैं कि दुनिया के किन इलाकों से यहाँ समावार का जो रस्म है यहाँ जो फेरन का रस्म है ये कहाँ से आया।
ये बहुत सारी चीजें इस तरह से लैंग्वेज में भी पाई गई और ये पता चला कि बहुत दूर के इलाकों का असर जो है जबान पे देखा जा सकता था। कोशिर जबान छुपने मरफद मुनफरिद लिसानी हसूसियत, और कश्मीरी जबानी की जबान की एक मरफद जो है वो लिसानी हसूसियत भी है, एक मुदर आवाज़ है और एक अच्छी जो इसे कहें पुरकशिश आवाज़ है। कशर बुनियादी जुमल लफ्ज तरतीब छ बरसगीर चन जबान निश मुख्तलिफ तो अम किस ग्रामरस तथ कन जार यम बेन कुन हिंदुस्तानी जबान मज। और इसका जो ग्रामर है थोड़ा सा बाकी जबानों से डिफरेंट है और इसका जो तलफ़ है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है, और ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि ये बहुत सारी जबानों का एक एक्सट्रैक्ट मिला के एक जबान जो है वो बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं, दुनिया च प्रथ तरक्की याफ्त जबान हिंद पशिर जबान ते वपर जबानन हिंद लफ्ज पानस मज वप्रेवित वप्रेमित। ठीक छ, जिस तरह से दुनिया के बाकी लैंग्वेजेस हैं उनमें बहुत सारी लैंग्वेज में जो है उर्दू इंग्लिश के अल्फाज जो है वो ज़रूरत हैं, तो इस तरह से कश्मीरी के अंदर भी ये मिक्स है, मिक्स जो है ये सारी चीज़ें हुई हैं, यानी कि एक मुनफरिद जबान नहीं है, बहुत सारी बाकी जबानों से लिए गए अल्फाज इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। यथ किन अंग्रेज़ी जबान मज लातिनी जर्मन यूनान फ्रांसीसी अतालवी उबरानी तो दोयमन जबानन हुंद हिंद लफ्ज विन यवान तथ कन कशरस मज उबरानी तरक्की संस्कृत अरबी फारसी तो अंग्रेजी जबानन हिंद लफ्ज नजर गसर। दुनिया में जो सारी चीज़ें आपने देखा होगा जब इंग्लिश में हम कोई भी डेफिनेशन बोलते हैं, इट हैज़ बीन ट्रेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, इट हैज़ बीन ट्रेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, सो ये इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। चाहे हम एनवायरमेंट की बात कर लेते हैं, इट हैज़ बीन ट्रेकन फ्रॉम अ डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, ठीक है, एनवायरन एन, तो इस तरह से इसमें भी बहुत सारे अल्फाज जो हैं बाकी जबानें, जैसे मतलब उबरानी जबान है, तुर्की की जबान है, संस्कृत की जबान है, अरबी की जबान है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस जबान में भी जो हमारी कश्मीरी है उसमें भी शामिल है। कशरस पठ संस्कृत फारसी जबान हूँ सठा सुंत गुन असर, यानी कि कश्मीरी में ज्यादा तो जबानें जो इस्तेमाल की गई हैं या तो वो संस्कृत जबान है और या तो जिसे हम कहेंगे संस्कृत और फारसी जबान का, इस पर बहुत असर है क्योंकि हमारा जो यहाँ का कल्चर है वहाँ संस्कृत और फारसी जो है वो पढ़ाई जाती थी। वप्रिन जबान लफ्ज पानस मज वस वस वन किस नतीजस मज सन जबान मज बावस वसत पद सब्जान, बाउस का इस्तेमाल जो है यहाँ पे ज्यादा किया गया है, तो इसका इस्तेमाल जो है इस मज अथ मज शरी तहलीकी नसर इलाव इंसानी जैन हिंद सरी इलम बयान करने करनी है पूर सलाहित। और इस तरह से दुनिया के हर एक टॉपिक पे जो है कश्मीरी जबान जो है कश्मीरी जबान में टॉपिक्स जो है वो लिखे गए हैं और तहलीकी नसर जो है हर जगह जो है वो बनाई गई है। बावज हिंद इम वसजार खिन कशरस मज थद पाइक अदब तहलीक सबदान, और बावज का इस तरह का इस्तेमाल जो है इससे एक अलग तरह की तहलीक जो है अदब की कश्मीरी जबान में पाई जाती है। आई बात समझ, तो चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं। आज ब्रोह करीबन साढ़ शहत वरी कशरस मज आख बहल पाइच शेर वस मज युस युस ललदे नाव वैसन छ, यानी कि अगर हम आज से तकरीबन 650 साल पहले की बात करें तो कश्मीरी जबान की एक मशहूर नामवर शायरा जिनका नाम ललदेद है, तस ब्रोह छ कशरस मज शेर कशरस मज शार ऐसमित वन यवान वन गौ तो सलम छ तकरीबन रूस्तल। ठीक छ, मतलब अब ये जिसे हम कहेंगे ना कि उसका पूरा या तो हिस्ट्री पता नहीं है या ये सारी चीज़ें हैं और कुछ अशार जो है वो हमारे पास अभी मौजूद हैं, तो यानी कि बहुत सारे अशार जो हैं या राइटिंग उस वक्त नहीं थी या पेपर का जो था डिस्कवरी नहीं हो रखी थी, तो बहुत सारे अशार जो हैं वो अभी भी हमें नहीं मालूम, लेकिन जो कुछ अशार हैं उनमें से कुछ हिस्सा सिर्फ चिक्किन कुन कुन किताब मज युथ का नमून नमूना नजर गसान, और इस तरह के कुछ ही किताबें हैं जिनमें ये नमूने जो है वो नज़र आ रहे हैं। ललदेद हुन कलाम मज चु वरिया के तहरीरी सूरत मज एसनिश मौजूद, और ललद के कलाम की भी अगर हम बात करें तो हमारे पास तहरीरी तौर पे कुछ तो है मौजूद। बहरहाल एमसुन कलाम चु वाक सनफ मज, और इसका कलाम जो उसे वाक कहा जाता है। शेखुल आलम च ललदेद हिंद कंस हम उमर, जिसे हम कहेंगे एक ही लगभग उम्र के थे दोनों, त
تمو یت صنف مس شعر ونمت تخ شرک ونان اور شیخ العالم کے جو شعر بننے کا طریقہ ہے بولنے کا طریقہ ہے اسے ہم شرک بولتے ہیں یمن دشمن شاعرن ہندس کلامس فنی طرز تے روحانی بجرتے اور اس کا فنی طرز بھی دونوں طرف سے ہے اور روحانی طرز بھی دونوں شاعروں کے کلام میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے تمام کشرن یہند احترام تو یہندس کلامس مز تقدس تے اور ہر ایک کشمیری ان کے کلام کی عزت اور تقدس جو ہے وہ رکھا ہوا ہے لل دیت شیخ العالم چھ کشر شعری ہند باقید بانی کار ماننے یوان اور لل دیت اور شیخ العالم کو کشمیری شاعری کے یعنی کہ ستون یعنی کہ پتھر مانا جاتا ہے یا جسے ہم کہیں گے باقاعد بنی کار یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں انوگریشن کرنے والے شروعات کرنے والے شاعروں میں ان کا نام جو ہے وہ پایا جاتا ہے آئی بات سمجھ آگے بڑھتے ہیں لل دید شیخ العالمس پنے کریبین دوئی ہتن ورن وس کشرس مز بیاک اک اہم شاعرہ یمک ناؤ چھ کھب خاتون ٹھیک چھا لل دید شیخ العالم پت کریبن دوئی ہت وری یعنی کہ لگ بھگ 200 سال کے بعد کشمیری میں ایک اور شاعرہ جس کا نام خب خاتون تھا وہ پیدا ہوتی ہے یم سے دس لول نغمہ عام لوکن مز مقبول سبد محبت کے بھرے ہوئے جو یہ جو کلام تھے وہ دنیا میں مشہور ہے تم کر پنن برتن مز لول کن جذبن ہز باوت ٹھیک ہے اس نے اپنے کلام میں محبت برا کلام جو تھا وہ پیش کیا اور محبت کی تلقین لوگ گئے برہنکن چھ محمود گئیں صنفی تو موضوعی اعتبار کشیر شعر یا یہندس سرمایوس چھو برچر جسے ہم کہتے ہیں سرمایوس برچر کران تو اس کے بعد محمود گرمی کا بھی ایک بہت بڑا نام ہے جو کشمیری شاعری میں موجود ہے تم لکھ غزل تے تے نعت تے یعنی کہ انہوں نے غزل بھی لکھے اور نعت بھی لکھے تم سن مثنوی یہ سبز لکن مز مشہور مثنوی تے سبز لکن مز مثنوی جو لکھے وہ بھی لکھوں میں مشہور ہوئے تس پت تے لچ واریو شعرو کشرس مز مثنوی تے یمن مز مقبول شاہ کرالویر اس پر کو گل ریز عوامس مز زیاد ویس تے مقبول چھے یہ دو شاعر جن کا میں نے نام لیا مقبول شاہ کرالویر تے گل ریز یم گئے عوامس مز زبردست مشہور تے مقبول ولی اللہ موت تے چھو سون اک اہم مثنوی نگار یم ہیمال تے ناگرائے مثنوی لچمس چھے ایتے پر زاو ولی اللہ موت تے سچ ولی اللہ موت سوری تو وہ بھی جو تھے اور انہوں نے بھی ایک ہیمالت ناگرائے کا ایک بہت زبردست دلیل جو ہے وہ لکھی ہے رسول میر اوس محمود گیمن کونس ہم عمر یعنی کہ ایک ہی ہم عمر کے تھے سو سپت پنی شاعری خاص کرت غزلوں کے پنے وقت سرے سی کشیر مز نام آوار اتھے پٹ گو ہم اگر رسول میر کی بات کریں وہ بھی محمود گیمن کے ہم عمر ہی تھا ایک ہی ارا میں تھے دونوں تو وہ بھی اپنی شاعری کی وجہ سے پورے کشمیر میں بہت نام کمایا اور بہت مشہور ہوئے تم واتنو کشرس مز غزلش صنف عروجس عشق چھ تم سندس غزلن ہند غالب موضوع اور جس طرح سے عشق کے بارے میں انہوں نے جو ہے زیادہ غزلوں میں بات جو ہے وہ کی تھی چاہے وہ خدائی عشق ہو چاہے وہ محبوب کا عشق ہو چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو دیکھیں کوئی بھی شاعر جب اپنی بات کرتا ہے تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا محبوب کون ہے تو ہمیشہ اسے ایک محبوب کو لڑکی کا ہی نظر دے دینا یہ بالکل ذریعہ نہیں ہوتا یا یہ اچھی بات نہیں ہے تو جب بھی ہم کسی بھی کانٹیکس کو بیان کرتے ہیں یا کسی بھی شاعر کی شاعری کو بیان کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے محبوب اللہ کی ذات بھی ہو سکتی ہے اور اس کے لیے محبوب کوئی شاعر بھی ہو سکتا ہے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اگر آپ کسی بھی شاعر کو سمجھنا چاہے وہ اردو فارسی پرشین سنسکرت کسی بھی زبان کا ہو ٹھیک تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کا جو کلام تھا وہ زیادہ عشق پہ غالب تھا یا عشق میں ہی زیادہ جو ہے وہ موضوع تھا سراپا نگار یہ مز ہون کمال تس پت آئے کشرس غزلس مز رنگ رنگ موضوع اتھ پر جس طرح سے غزل کی ڈیفینیشن دھیرے دھیرے اردو میں بھی چینج ہوئی اس طرح سے یہاں کشمیری میں بھی سیم اس کا یہی حالت ہوا کہ اس میں بہت ساری چینجز آ گئے کشیر شاعر ہند بیاک اخ موضوع چھو توصف
या सोफीज्म छ बना, ठीक है, सोफीज्म के जो गेवन वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो उसका भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एक फैक्टर बना, और उसमें बाद में बहुत सारे तौसुफ के जो गेवन वगैरह हैं वो लिखे गए, ठीक है। सुचो क्राल या यथमज जिसमें बहुत सारे बड़े मैंने बड़े बड़े नाम जो है शायर हन ब्याह का मौजूफ छु तौसुफ रूदमुत। सचे क्राल रहमान डार नगम सोब शमस फकीर अहमद बटवर समद मीर तो अहद राज अहद जरगर, ठीक है, सैन अहम सोफी शायर एम सोफीज्म वकस ज्यादा बरतर दिमाग। अगर सोफीज्म के बारे में बहुत ज्यादा हमारे कश्मीर में कोई आलिम बोलता है तो वो ओएस कादरी साहब हैं, ठीक है। तो अगर आप सोफीज्म के बारे में ज्यादा कुछ समझना पढ़ना चाहें तो आप ओएस कादरी साहब को उस बात के लिए सुन सकते हैं और उनसे वो सारी चीजें सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी अपनी च्वाइस है, आप सुनना चाहें तो, लेकिन हाँ अगर एक सोफीज्म को आप समझना चाहें या आप बढ़तर के उसको समझना चाहें तो वो बेहतर है कि आप किसी तरीके से उस चीज़ को समझ सकें। एम किस्म शेरी सपुद कशीर मंज कबूल आम हासिल तो ये आए एहतरामस लाइक जहन। तो इस तरह की जो शायरी की जिसमें कलाम खुदाबंदी भी शामिल था और कलाम बाकी तरह के भी कलाम जो थे सूफी शायर में जो शामिल थे तो वो आगे आगे जो है वो बढ़ते गए, ठीक है। इस पॉइंट महजूर त आज़ाद पत आए मौजू त हिज एतबार कशर शायरी मंज तेज तर तब्दीली नज़म सनफ हिज ज्यादा मकबूल सपदन। और इस तरह से महजूर और आज़ाद के आने के बाद कश्मीरी जबान में जो नज़म की तहलीक हुई उसने ज्यादा मकबूलियत जो है वो ज्यादा पाई और आगे बढ़ी। कश्मीर मंज नसरिच खास करित दलीलन हज वारिया प्रण रवायत, या जिसे हम कहते हैं कि कश्मीरी जबान में जो नसर है या कश्मीरी दलील जो है या कश्मीरी दास्तान जो है वो बहुत मशहूर थी। बरहत कथा छ कशीर हिंदस सरजमीनच स किताब यम बुनियाज पेठ दुनियाच मशहूर दलील किताब लिखने से आमद। इतने पर बरहत कथा जो उस किताब छ उसकी वजह से दुनिया की एक मशहूर दलील की किताब जो लिखी गई। आजकल जो इन इम किताब हम नाव यूत यूत आजकल इस किताब का सिर्फ नाम ही है। दपान इम ब्रोह छ कशरस नसरस मज किताब लिखना आमद यमन मज बुद्ध मजहब की प्रचार करन वेलन हज किताब शामिल आस। इससे पहले जो किताबें लिखी गई उसमें बुद्ध प्रचार का जो बुद्ध मजहब जो है उसके जो लोग थे वो क्या काम करते थे, अपने बुद्ध मजहब का जो प्रचार है वो कश्मीरी जबान में उन्होंने कश्मीरी लैंग्वेज में लिखा है। कश्मीर मज वोत बाकायद पट नसर लेखनस करीबन जहत वरी ब्रूह दस, लगभग 200 साल पहले जो है वो नसर लिखने का तहलीक जो है वो शुरू हुई। तहलीकी नसरस मज अफसान ड्रामा नावल इंशाया लिखने यवान। इत पर चीज पर उर्दू असमान से बाकी चीजें वहां लिखने, चाहे हम ड्रामा की बात कर रहे हैं, चाहे हम नावल की बात कर रहे हैं, चाहे हम इंशाइया की बात कर रहे हैं, उर्दू जबान में भी ये कश्मीरी जबान में भी ये शुरुआत हुई है 200 साल पहले करीबन। यलजन अदबी तनकीद मज लिसनिंग साइनसी तो दोयमन मौजून पेट वारिया किताब लिखने पे छाप करने आमज छ मौजूदा दौरस मज ते छ वाद शायर ते अदीब, ठीक छ। इतने पर्ट को अगर जिसे हम बोलेंगे आज करके इस तहकीकी लिसानी या साइनसी दोयमन मौजून पठाए वारिया किताब कशिस मज लेखने तो छाप करना आमस छ इस मौजूदा दूर छ अत मज ते छ हत हतवरी व हतवादी शायर ते अदीब व किस कशिर मज मौजूद। कशिस मज लेखान यमो मज केंचन हुंद कशिर जबान ते अदबस वारिया दुत छ, यानी कि लोगों ने बहुत सनफ को तरक्की दी और बहुत ज़्यादा काम किया इसके लिए। तो यमन मुतलिक प्रत कश्र जान पज हासिल करें, और हमारा ये मकसद ही है ना कश्मीरी पढ़ाने का एक मकसद है कि अपना अदब जिंदा रहे, और आने वाले वक्त में नहीं लगता कि कश्मीरी जबान बोलने वाले लोग हम रहेंगे भी, क्योंकि हमने लैंग्वेज को इस तरह से ट्रांसफ़र कर लिया कि घरों में उर्दू ज़्यादा बोलने वाले हैं, उर्दू लैंग्वेज पर बहुत बात करने वाले हैं। मैं इफ़ यू टॉक अबाउट इफ़ आई एम गोना टॉक अबाउट माई पर्सनल व्यूज तो मैंने कश्मीरी एज अ सब्जेक्ट क्लास में कभी भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन कोशिश करी और थोड़ा बहुत सीखने के बाद कोशिश कर रहा हूँ कि इसको आप तक पहुँचाया जा सके। कश्मीर मंज छ वारिया लुक अदब तो यथ मंज लुक नसर ते छ तो लुक शेरी ते छ
अब नसरी अदब की हम बात करें या नसरी शायरी की बात करें, अब तो बहुत ज़्यादा लिखी जाने लगी है। लुक शेर गई सुशेरी यमन तहलीक कार मोलोमास, यानी कि लिखने वाला जिनका हमें मालूम होता है, ठीक है। और इतने पॉइंट को तहकीर का मालूम आयस आयस न तो यथ वक्र वक्र मौकन पेट ब्युन ब्युन लुको हुरेर आयस कुरमुद। कश्मीरस मंज वारिया लुक अदब या बहुत सारे लुक अदब की हम बात कर रहे हैं, यथ मंज जिसे हम कहते हैं लुक मंज नसर या शायरी है। शायरी गई लुक शायरी गई यो यमुक तहलीक कार मालूम आयस न तो यथ वक्र वक्र मौकन पेट ब्युन ब्युन लुको हुरेर आयस कुरमुद, यानी कि जो शायर मालूम ना हो और साथ साथ में अलग अलग लोगों से इसका वास्ता पड़ता हो या आगे आगे लोगों ने इसको बढ़ाया हो। कशिर लुक अदब च कशरन हिंद थिर पाए इज्तमाई तहलीकी शौरुक्त जरखीज जहान से हुन पाए दीवान। तो ये जो इज्तमाई तहलीक है या जो कश्मीरी अदब है, तो इससे हमें पता चलता है कि कश्मीरी लोग बहुत ही जहीन थे और इनके पास भी एक इलम का एक खजाना था, ठीक है। ये कच्छ मान्य आम कशरस मज यु शेर ये दलीलन प्रचन वगरन हंस सूरच मज लुक अदब मौजूद छ तिम किस तहलीकी पयस्त मकदारस हिक न दुनियुक कह ते युथ अदब वैतित। अब अगर हम यहाँ के शायराना की बात करें या ये हमें बात ये माननी पड़ेगी, यहाँ की दलील है, यहाँ के प्रेस जो है, जो हम फ्रेजेस पूछते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह के हैं या इतनी ज़बरदस्त तहलीक इनकी की गई है पायस्त मकदारस, यानी कि दुनिया की कोई भी लैंग्वेज इस कमाल तक नहीं पहुंच सकती कि जितना लिटरेचर या जितना अदब जो है अभी भी, हालांकि आज अदब तो मौजूद ही नहीं है, लेकिन उसके बगैर भी जो अभी भी मौजूद है तो दुनिया की कोई लैंग्वेज इसके साथ जो है बिल्कुल कम्पीट जो है वो नहीं कर सकती। डॉक्टर बशर बशीर तहलीक करन वेल ये लेसनिक, ठीक है। इसके बाद इसके जान जो है, जान में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ये आप खुलासे की जगह भी जो है हमें अपनी सारी चीजें जो है वो लिखी हैं और ये आप देख सकते हैं, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। और इस तरह से कुछ अल्फाज हैं, सलाहियत गई ताकत, निजाम गो तरबियत, मुश्तरक गई सरवर, युथ वारिया श्रिक आसन फीसदी हितमस, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें फोर गई वनुक अंदाज, जिसमें एक्सेंट के लेसन में मैंने आपको बताया वजूद सुन गो पद शब्द, आगुर गो यथपट किहनेर मूल, इब्तदा को शुरू करुन बस्किन गई रोजन वैल महकिक गई तहकीक करन वैल, ठीक छा। सती सर कशीर हुंद तिमन दोहन हुंद नाव येल ये आबस तल अस, जैसे मैंने आपको सर का बताया कि कहा जाता है कि कश्मीर एक सर था, उसमें पानी था और बाद में ये पानी निकाला गया नाग। कशन हुंद आख प्रून कबील, ठीक छा, सरपन पूजा करन वैल, और नाग कौन थे जो सिर्फ लोगों की पूजा करते थे या स्नैक्स स्नेक जो होते हैं हमारे पास इनकी पूजा करने वाले। दूसरे द्राविड़ जनूब हिंदुस्तान ते ऑस्ट्रेलिया समस प्रण बसन वेल कबीर, उनको द्राविड़ कहा जाता था। खित गए इलाक अर्चो गो मुझ भूट, जो मैंने आपको बताया अभी था, अर्बन गए अनड़, जो जिनको कुछ मालूम ना हो। उसके बाद गल्ब गल्ब गो सरस रोजन या फतह प्राविन, तहजीब गो तमदन या वथुन बेहुन, वसत गई वहराव या तरक्की करन, आदन काल को गोड काल इब्तदाई जमान या स्टार्ट, वैद काल को सुदोर यथमस वेद लिखन या वन आमुस आयस। नामावरी के मशहूर गसुन लफज रश लफजन हुन सरमाए, ठीक, बरसगीर को लोकट बरे आजम कुनोश सत्तेजी ब्रुहिम पूर हिंदुस्तान इलाक जमा बरसगीर मान। जविचार नौजिक या खास इनहार तहरीरी तो ये लिखित आयस सुगो तहरीरी, हम असर गए एक सी वक्त मज रोजन वेल या हम उम्र, तकदस गो पाकिजगी तो शुजर, ठीक छा। अरूज कमाल तसूफ गो सोफी बुजुर्गन हुन तरीक, मकबूल पसंद यन वोल प्रचार तबलीग या फैलाउन, तकलीक गो ते वनुन या न वनुन आयस आमुद, ठीक छा। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद इसके सवालात और जवाबात हैं जिनके लिए इंशाल्लाह आएगा हमारा नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंशाल्लाह इसके सवालात और जवाबात के बारे में। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेसन बहुत बड़ा था तो वीडियो ज़रूरी बड़ा होगा, तो उम्मीद करते हैं कि नई वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर और साथ में कश्मीरी के सारे लेसन
इस डिटेल और प्रॉपर तरीके के साथ पढ़ाए जाएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।